मेरे पांच पांडव, पांडव वो पांडव नहीं, क्रिकेट के पांडव मतलब पांच बल्लेबाज मेरे। ओपनर को कम पिक किया मैंने क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ओपनरों को मिलती है। तो पहला नाम अगर कोई मेरे जुबान पे आता है बैट्समैन जिन्होंने अच्छा किया वो है रिंकू सिंह। क्यों तो आप पूछोगे नहीं, क्योंकि पांच छक्के मारकर मैच जिताना आज तक हिस्ट्री में हुआ नहीं है। तो किसी ने किया है तो रिंकू सिंह ने किया है। दूसरा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज है मेरे लिए शिवम दुबे। 33 छक्के लगाए हैं, 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। पिछले कुछ साल हमने देखा उनकी सीजन उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन ये साल चेन्नई में खेलते हुए कमाल का क्लियर कट माइंड था कि मैंने आना है और बीच में छक्के लगाने। तीसरे एक गजब के ओपनर हैं, मुझे उनका नाम लेना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी इतनी तगड़ी की, पसंद आई मुझे उनकी, मुझे मजबूर किया उन्हें पिक करने के लिए। उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। तो उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा, यशस्वी भावा। स्काई का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि फॉर्म में नहीं थे, इंडियन टीम में भी 0-0-1 ऐसे रन बना रहे थे, फिर आईपीएल में आए तो उसमें भी पहले कुछ मैचेस में फॉर्म में थे, लेकिन जब फॉर्म में आए कमाल का शतक लगाया, कमाल की बल्लेबाजी की स्काई ने। आखिरी एक मैं चाहूँ तो टॉस करके किसी को पिक कर सकता हूँ, कोई इतने सारे हैं, बट फिर भी मैं एक और मेडल ऑर्डर के साथ गया, उसका नाम है क्लासन। क्योंकि जिस टीम के लिए खेल रहे थे उस टीम में नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा रन उस टीम के लिए बनाए, अंतिम मैच में शायद शतक लगाया उन्होंने। जो एबिलिटी उनकी स्पिन और फास्ट बॉल पे छक्के लगाने की है वो बहुत कम फॉरनर्स में होती है। तो ये थे मेरे पांच पांडव।